हाय फ्रेंड्स, प्लीज हमारे चैनल अनुज कुमार को सब्सक्राइब करें। सिलाई से रिलेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ट्यूलिप पैंट बताऊंगी जिसके लिए मैंने देखिए 2.5 मीटर कपड़ा है लिया है ट्यूलिप पैंट बनाने के लिए। अगर आपको ज्यादा घेरा चाहिए इसमें तो आप 3 मीटर ले सकती हैं। मैंने 2.5 मीटर कपड़ा लिया है। अब ये देखिए, कपड़े को हम ऐसे खोल के और इसे फोर लेयर में रख लेंगे। इसकी फोल लेयर करके अभी देखिए, कपड़े को मैंने फोल लेयर में रख लिया है। देखिए इसकी चार तह हैं, दो और दो, ये चार हो गई। फोल लेयर में कपड़े को रख लिया है। अब सबसे पहले हम आसन का निशान लगाएंगे। आसन का निशान हमको बंद साइड लगाना है। अभी देखिए, जैसे मुझे अब ये सलवार 38 इंच की तैयार करनी है, ट्यूलिप पैंट सॉरी, तो उसके लिए देखिए हमें इसकी, हमारे पास इसकी तैयार है लंबाई 35 इंच, और जो हम इसमें चेन लगाएंगे वो हमारी 3 इंच की होगी, तो ये हमारी 38 इंच हो जाएगी। 1 इंच उसमें हम प्लस कर लेंगे सिलाई के लिए। तो चीन के लिए देखिए, हमने कपड़ा अलग से इसमें से निकाल लिया है। जो मेरा 2.5 मीटर कपड़ा था उसी में से मैंने ये चीन के लिए कपड़ा निकाल लिया है। और उसके बाद अब यहाँ से हम आसन का निशान लगाएंगे। आसन यहाँ से हम अपना लेंगे 13 इंच, 12 तैयार होगा, 1 इंच प्लस करेंगे सिलाई के लिए। अगर आप हेल्दी हैं तो आप और बढ़ा सकती हैं, 1 इंच और बढ़ा सकती हैं इसमें। अभी देखिए, यहाँ से हम इसे 3 इंच लेंगे। देखिए यहाँ से हम इसे 3 इंच लेंगे इस तरीके से, और इधर से भी 3 इंच लेंगे ऊपर से, यहाँ से इस तरीके से, और इस 3 इंच को हम इस 3 इंच से मिलाएंगे। ऐसे ही से बिल्कुल बराबर कर देंगे। और इसमें देखिए हल्का सा ऐसे राउंड शेप देंगे हम इस तरीके से। और उसके बाद देखिए इस कोने से लाएंगे हम। अभी देखिए यहाँ से हम आसन से नीचे, जो हमारा 22 इंच आ रहा है, आसन से नीचे नापा है हमने 22 इंच आ रहा है। अभी देखिए यहाँ से हम इसमें इस तरीके से शेप बना के लाएंगे। इसे हम इस तरीके से कर्व देके और उस कोने से मिला देंगे जो हमारा दूसरा वाला कोना दिखाई दे रहा है आपको, ये देखिए यहाँ तक इसमें कर दे लिया हमने। ये देखिए, ये इसकी ड्राफ्टिंग है। और इसी तरीके से यहाँ से क्रोच एरिया की कटिंग करेंगे और फिर हम ऐसे कट कटिंग करेंगे। कपड़े को फोर लेयर में रखा है हमने। अभी देखिए, सबसे पहले हम एक क्रॉच एरिया कटिंग करेंगे आसन की। और उसके बाद हम यहां से कटिंग कर लेंगे। अभी देखिए एक्स्ट्रा कपड़े को निकाल देंगे हम। अभी देखिए मैं आपको बताऊंगी हमें सिलना कैसे। देखिए हम इसको खोलेंगे इस तरीके से, खोल के सबसे पहले देखिए हमको सिलाई को यहाँ से लेके इस साइड लगाना है हमें सिलाई को ऐसे राउंड में। और फिर जो हमारे दो पीस आए हुए हैं, देखिए ये दो पार्ट हैं, इनको हमें इस तरीके से फोल्ड करना है इस तरीके से। ये हमें पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक राउंड में पूरा फोल्ड करना है। फिर उसके बाद हम बताएंगे कि इसमें हमें कैसे प्लेटें डालनी है, कैसे इसमें बेल्ट अटैच करनी है। अभी देखिए, जो मैं चेन निकालूंगी उसके लिए मैंने कपड़ा लिया है। ये देखिए, जैसे हमारा चेन का कपड़ा थोड़ा सा कम है तो हम इसमें ये वाला कपड़ा ऐड कर देंगे इस तरीके से, ऐसे करके। अभी देखिए, जो हमें इसकी लंबाई रखनी है बेल्ट की, लंबाई हमें तैयार रखनी है इसकी 22 इंच। 1 इंच हमने इसमें प्लस किया है जो हमारा कपड़ा ये फोल्ड होगा इस तरीके से। और इसमें आप प्लास्टिक डालना चाहे प्लास्टिक डाल सकती हैं, डोरी डालना चाहे डोरी डाल सकती हैं। और देखिए लंबाई हमने इसकी 8 इंच ली है, क्योंकि फोल्ड होने के बाद देखिए हमारे इस तरीके से आएगी, तो ये हमारी करीबन 3 या 3.5 इंच के बराबर रह जाए, क्योंकि हमारी इतनी ये सिलाई में जाएगी, इतनी इतना कपड़ा हमारा सिलाई में जाएगा। तो हमने तैयार ली है 3.5। अब इसमें हमने प्लस कर लिया है। अब मैं आपको इसे सिल के बताऊंगी। अभी देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमको सबसे पहले आसन सिलना है, तो ये हमारा आसन है
और देखिए कपड़े को हमने खोल के ऐसे कर लिया है, दो लेयर हैं इसकी, दो लेयर इधर हैं, दो लेयर इधर हैं, आपको कोई समझने में कंफ्यूजन हो तो। और देखिए मैं इसको सिलूंगी, इसको खोल लिया है जैसे मैंने अभी आपको रख के दिखाया था, उसी तरीके से सिलना है हमको ये। अब इसको हम सिल लेंगे। जैसे इसकी गोलाई में कटिंग की है उसी तरीके से सिलना है हमको। और इसे हम इसी तरीके से सिल लेंगे। ये देखिए ये हमने इस पास हम सिल दिया है। और उसके बाद इसको हम देखिए इस तरीके से खोलेंगे, ऐसे खोल के इसके दोनों पीस मिलाएंगे आपस में, ये सिलाई और जो इसकी ये दूसरी वाली सिलाई है, इसको हम इस तरीके से मिला देंगे आपस में। देखिए इसकी हमारी ऐसी शेप आएगी इस तरीके से, ठीक है। ये मिलाने के बाद अब जो हमारा एक कर्व वाला हिस्सा है ये वाला, यहाँ से अब ये हमको सिलना है। तो देखिए जैसे इसमें कर्व आया हुआ है तो सबसे पहले हम इसे एक बार फोल्ड करेंगे पूरे को, फिर हम इसे दोबारा फोल्ड करेंगे। आप चाहें तो इस पर पीको भी करा सकती हैं, लेकिन हम इसे डबल फोल्ड करेंगे क्योंकि एक बार करते हैं तो इसमें बल आ जाते हैं तो उससे फिनिशिंग नहीं आती, इस वजह से पहले हम इसे हल्का हल्का एक बार फोल्ड कर लेंगे और ये हम पूरे को फोल्ड कर लेंगे। मुझे चारों पैरों की इसी तरीके से फोल्ड करने हैं। मैंने इस हिस्से को फोल्ड कर लिया है जो कर्व वाला हिस्सा था, अब इसको हम एक बार और फोल्ड कर देंगे, इससे हमारी फिनिशिंग भी आ जाएगी और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होगी फोल्ड करने में। अब इसको मैं इसी तरीके से देखिए जैसे मैंने इसमें पूरे में सिलाई लगाई है, अब इसमें जितना भी मैंने क्रॉस किया है मेरा कर्व वाला, इसमें मैं पूरे में सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर लूंगी। अभी देखिए मैंने जो आपको बताया था ये यहाँ से गोलाई वाली जगह ये मैंने पूरी फोल्ड कर ली है दोनों तरफ से, इस साइड से भी और इस साइड से। अब उसके बाद हम इसको ऐसे ऐसे रख लेंगे, देखिए इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल बराबर करके रख लेंगे हम इसको। और फिर हम इसमें जो हम चार पांच प्लेटें डालेंगे उसके लिए निशान लगाएंगे। अभी देखिए अब हमको जैसे हमने ये दोनों पीस बराबर रख लिए हैं, अब हमको अपनी कमर के हिसाब से इसमें कट के निशान लगाकर उसमें प्लेटें डालनी होंगी। जैसे हमारी कमर है 36, तो 36 का हम फोर्थ भाग करेंगे तो उसका 9 आएगा और उसमें 1 इंच और प्लस करेंगे तो हमारा ये पूरा 10 इंच हो गया। तो ये 10 इंच पे हम निशान लगा के, और देखिए हमारे चारों पार्ट हैं, हमने एक दूसरे के ऊपर पार्ट रख लिए हैं, अब इनमें हम चारों पार्टों में कट लगा लेंगे जिससे हमें पता रहे कि हमें कहाँ तक प्लेट डालनी है। ये देखिए ये हमारा कट हो गया। अब हम इसमें आपको प्लेटें और बेल्ट लगाना बताएंगे। अभी देखिए जो मैंने आपको अभी कट लगाने बताए थे, एक ये कट है एक ये कट है। अब जैसे हमने पूरा 2.5 मीटर कपड़ा लिया था, अब देखिए इस कपड़े को खोल के हम ये वाला कपड़ा है जो हमारा, इसको इस तरीके से रखेंगे नीचे वाले कपड़े को। देखिए इस जो हमारा ऊपर वाला कपड़ा है इसको हम इस तरीके से रखेंगे। अभी देखिए जो हमने कट लगाए थे, ये जो हमारा ऊपर वाला कपड़ा है इसको हम ऐसे भीतर की साइड फोल्ड करेंगे इस तरीके से, इस कट को हम इस कट से मिलाएंगे। देखिए यहाँ पे ऐसे, अगर मान लो आपका कपड़ा इसमें ज़्यादा है, अगर आप 3 मीटर या 4 मीटर कपड़ा लोगे तो उसमें आपकी प्लेटें आएंगी, तो हमारे पास प्लेटों के लिए कपड़ा नहीं क्योंकि हमारा कपड़ा कम था, 2.5 मीटर था, तो आप उसी हिसाब से यहाँ पे प्लेटें डाल लें। अब देखिए यहाँ पे हम पिन लगा लेंगे और जो एक और हिस्सा है कपड़े का ये हमारा इस तरीके से आएगा, देखिए ऐसे इसमें हम एक पिन लगा देंगे और ऐसा ही हमें उस तरफ करना। अभी देखिए जो हमारे अलग अलग पार्ट हैं, ये ऊपर वाले पार्ट में हम अलग पिन लगाएंगे इस तरीके से, और जो नीचे वाला पार्ट है हमारा इसमें हम अलग लगा देंगे। और जो हमारा ये आसन का निशान है यहाँ से, ये हमारा आपस में मिलना चाहिए। और देखिए जो हम 3 इंच कपड़ा छोड़ते हैं वो हम यहाँ पे छोड़ेंगे और ऐसा ही हमें इस साइड करना है।
ये देखिए, इसको भी हमें इस कट से मिला के इस तरीके से, और इसमें भी हम पिन लगा देंगे, और फिर हमारा जो दूसरा पार्ट है इसको इसके ऊपर रख के ये कट भी हमारा, ये चारों कट हमारे आपस में मिलने चाहिए, और यहाँ पे भी हम एक पिन लगा देंगे। अभी देखिए मैंने पिन लगा ली है। अगर आपका कपड़ा जैसे जैसे मैंने अभी आपको बताया, हमारे पास कम कपड़ा है, तो हमारे पास ज़्यादा कपड़ा होता हम उसकी यहाँ पे प्लेटें डालते, और जो ये बीच का हमारा हिस्सा है देखिए, ये हमारा 6 इंच है। अगर आपके पास ज़्यादा भी कपड़ा है तो भी आपको ये हिस्सा छोड़ना पड़ेगा खाली, इसमें कोई प्लेटें नहीं डालनी, बैक में और फ्रंट में दोनों में जो भी आपका एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसकी आपको यहाँ पे प्लेटें डालनी है, इस साइड और इस साइड जो मैंने कट बताए थे आपको। अब इसी हिसाब से हमको ये सिलने हैं। देखिए जैसे जैसे मैंने इसको पिनअप किया है उसी तरीके से मुझे सिलना है ये। अभी देखिए जैसे मैंने इसमें पिन लगाई थी, अब इस पार्ट को हम इस तरीके से खोल लेंगे, और देखिए ये हमारी यहाँ से सीधी साइड है तो हमारी बेल्ट आ जाएगी, तो ये कपड़ा हमारा ढक जाएगा, और पिन को हम निकाल के और ऐसे ही हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई में दोनों साइड लगाने में और ये देखिए जो मैंने बताया था आपको, ये कपड़ा हमारा यहाँ तक 6 इंच खुला रहेगा, इसमें ना तो ये कपड़ा आएगा और ना यहाँ पे कोई प्लेट आएगी, तो यहाँ तक हम सिलाई को लगा कर कंप्लीट कर देंगे। फिर हम ये वाला हिस्सा लेंगे, इसका दूसरा वाला, ये सेम यही हिस्सा है, इसमें भी हम ऐसे ही सिलाई लगा के इसको भी तैयार कर लेंगे। अब देखिए जो मैंने बेल्ट कट की थी, ये हमको कमर के हिसाब से ही कट करनी है, जितनी भी इसकी कमर रह गई है देखिए उसी हिसाब से हमने ये बेल्ट, जैसे हमारा थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कपड़ा निकला था वो मैंने इसमें से अलग कर दिया, अब ये बिल्कुल इसके बराबर रखनी है। और ये देखिए मैंने इसको दोनों तरफ से, आप प्लास्टिक डालना चाहे वो डाल सकती हैं, डोरी डालना चाहे वो डाल सकती हैं, और मैंने एक साइड से इसे फोल्ड कर दिया है। देखिए 2 लेयर में हो गई है, अभी हमारी 4 इंच की है, और उसके बाद हम इसे इस तरीके से रखेंगे, इस आसन वाली साइड से रखनी है हमको, फ्रंट साइड से। और देखिए यहाँ पे हम इसको इतना आधा इंच के बराबर दबा के, और वो वाला कोना हम इस साइड लाएंगे और सीधी साइड रखी है मैंने बेल्ट, फिर हमारी पलट के उल्टी साइड आ जाएगी। आप चाहे तो साथ ही साथ इसमें इलास्टिक लगा के भी इसे अटैच कर सकती हैं। देखिए ऐसे ही मैं इसे घुमा घुमा के पूरे राउंड में लगा लूंगी। ये कपड़े को, नीचे वाले कपड़े को हमें अलग करना है ताकि ये सिल ना जाए, सिर्फ ये 2 लेयर रखनी है इसकी। ये देखिए ये वाला हिस्सा हमारा फ्रंट साइड में आना चाहिए, और ये थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि इलास्टिक डाल के हम इसे इस तरीके से सिल सकें ताकि। अब ये देखिए इस पे हम दोनों तरफ सिलाई लगा लेंगे, और ये पार्ट हमारे दोनों बराबर होने चाहिए, इलास्टिक डाल के हम ये पूरा हिस्सा सिल देंगे। अभी देखिए जो हमारा हमने बेल्ट लगाई है, अगर चाहें तो इसके ऊपर आप एक एक सिलाई लगा सकती हैं, वरना आप ये अंदर की साइड जो दिख रहा है इस पे पीको इंटरलॉक करा सकती हैं,
अब मैं ये सिलाई लगा के इसमें इलास्टिक डाल के इसे कंप्लीट कर लूंगी। ये देखिए, ये हमारी ट्यूलिप पैंट बनके तैयार हो चुकी है। देखिए ये जो इसके पार्ट हैं ये ऊपर की साइड आएंगे तरीके से। ये पूरी मैंने इसमें इलास्टिक भी डाल ली, इस तरीके से बन के आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।